बहुत चिंता का विषय है आज के दिन में कि दवा भी है, संक्रमण भी बढ़ रहा है। हमें वैक्सीन लेने के साथ साथ सतर्कता में भी पूरा ध्यान रखना होगा। हम आप लोगों के माध्यम से राज्यवासियों को अपील करना चाहेंगे, इस वैश्विक महामारी को बहुत हल्के में ना लें। सरकार प्रशासन का सहयोग करें, सरकार द्वारा निर्देश को आप पालन करें। इस समस्या का समाधान अभी आप लोगों के, आम लोगों के ही हाथ में है। हम मार्गदर्शक जरूर बन सकते हैं, सरकार मार्गदर्शन जरूर कर सकती है। लेकिन ज़्यादा मुझे उम्मीद और भरोसा है राज्यवासियों के ऊपर कि जिस तरीके से प्रथम चरण में संक्रमण में जो लोगों ने अपनी पेशेंस का परिचय दिया है, ये अभी भी मैं उम्मीद करूंगा। देखिए नहीं, ये सारे ये बहुत सारे लोग अपने अपने मंतव्य देते हैं। हमारी पूरी नज़र राज्य के हर कोने पर है और समय परिस्थिति वश सरकार द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा। लेकिन आदेश अपनी जगह है, लेकिन आम जनों से मेरा पुनः अपील है कि आप सब लोग सावधानी से रहें और इस संक्रमण को हल्के में ना लें। विष्णु भैया का नहीं रहना, देखिए विष्णु भैया एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, इनके जैसे दिलदार व्यक्ति और इनके जैसे उदार व्यक्ति मुझे लगता है कि बहुत कम होते हैं। और जिनके साथ, जिनका इन्होंने हाथ थामा, जिनके साथ ये खड़े रहे, वो उन्होंने हमेशा से ये अपने आप को साबित किया कि जो जिनके साथ है वो हमेशा उनके लिए किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकते। हमारे साथ भी उनका संबंध रहा, पारिवारिक संबंध भी रहा और राजनीतिक संबंध भी रहा। मुझे लगता है कि हमने एक और अपने बड़े भाई को खोया है और बड़े भाई का जो निर्वाहन है, जो कर्तव्य है, वो उनका सदैव हमें कमी महसूस होगी। आज उनका निधन हो गया कोरोना पॉजिटिव।